प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री इस विषय में लोगों की दिलचस्पी घटने का नाम नहीं ले रही है। कभी फॉन्ट तो कभी तारीख, रोज नया दावा आता है। यही काम 5 अप्रैल को भी हुआ। सोशल मीडिया पर यह दावा हुआ कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर जिस कुलपति ने 1983 में दस्तखत किए उनका तो 1981 में ही देहांत हो गया था। ट्विटर पर ब्लू टिक धारी यूजर अशोक शेखावत ने लिखा, दुखद समाचार, प्रधानमंत्री की डिग्री पर हस्ताक्षर करने वाले वाइस चांसलर का निधन 1981 में ही हो चुका था। क्या ये सच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? शेखावत की तरह अनिल पटेल नाम के ब्लूटिक धारी यूजर, जो कि बायो के मुताबिक कांग्रेस सपोर्टर सोशल एक्टिविस्ट है, ने भी दो तस्वीरें ट्वीट की। एक तरफ प्रधानमंत्री की डिग्री और दूसरी तरफ एक तस्वीर जिसके नीचे लिखा है, प्रोफेसर के एस शास्त्री कुलपति 22 अगस्त 1980 से 13 जुलाई 1981 तक। साथ में प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री की डिग्री पर हस्ताक्षर करने वाले वाइस चांसलर के एस शास्त्री का निधन 1981 में हो चुका था, तो उसके बाद डिग्री कैसे प्रिंट हुई? दी ललन टॉप ने जब वायरल दावे की पड़ताल की तो वायरल दावा गलत निकला। कैसे? वो ऐसे कि देखने में भले लगे कि प्रोफेसर शास्त्री का जीवन महज 11 महीने का था, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। पोस्ट में प्रोफेसर के एस शास्त्री की जो फोटो लगी है वो उठाई गई है वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी यानी VNSGU की वेबसाइट से। प्रोफेसर के एस शास्त्री 22 अगस्त 1980 से 13 जुलाई 1981 तक इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो तस्वीर के नीचे उनके जन्म और मृत्यु की तिथि नहीं, कार्यकाल की अवधि लिखी है। 1981 में ही प्रोफेसर शास्त्री गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति बने और 1987 तक इसी पद पर रहे। गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की सूची में प्रोफेसर शास्त्री का नाम देखा जा सकता है। मई 2016 में बतौर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री की जो PG की डिग्री दिखाई थी उसमें साल अंकित है 1983 और इस साल प्रोफेसर शास्त्री ही गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर क्लैरिटी मांगने निकले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा था। गुजरात हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी केजरीवाल की एक पिटिशन को तुच्छ और भ्रामक बताया और उन पर 25,000 का जुर्माना भी ठोक दिया। इस फैसले के जवाब में दिल्ली के CM केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए पड़ताल की थी हमारी साथी मनीषा ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।